धन धन सदगुरु तेरा आसरा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर वहीनीन सा। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है बाइनरी अर्थमेटिक का। तो फ्रेंड्स, बाइनरी अर्थमेटिक और डेसिमल अर्थमेटिक ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि डेसिमल अर्थमेटिक में फोर ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो फ्रेंड्स, वही फोर ऑपरेशन आपके बाइनरी अर्थमेटिक में भी हैं। तो फ्रेंड्स, पहला ऑपरेशन है बाइनरी एडिशन का। तो फ्रेंड्स, बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करने के रूल्स ऑलमोस्ट वही हैं जो डेसिमल एडिशन को परफॉर्म करने के हैं। तो फ्रेंड्स, हम बाइनरी एडिशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक टेबल का हेल्प लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टेबल में हमने तीन वेरिएबल लिए हैं, ए, बी एंड सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ए और बी को हम सम अप करेंगे, ए और बी का सम लेंगे एंड फ्रेंड्स उसकी वैल्यू को हम स्टोर करेंगे सी के अंदर। एंड फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ ली हैं, ए और बी, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते ही हैं कि बाइनरी के अंदर दो ही वैल्यूज़ होती हैं, वन एंड जीरो। अगर हम उसके पॉसिबल कम्बिनेशंस लें तो फोर पॉसिबल कम्बिनेशंस बनेंगे, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। तो फ्रेंड्स, जो पहला पॉसिबल कम्बिनेशन है आपका वो है जीरो जीरो। तो फ्रेंड्स, जब हम 0 प्लस 0 करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 0। नेक्स्ट पॉसिबल कम्बिनेशन लेते हैं 0 प्लस 1 तो रिजल्ट मिलता है 1। नेक्स्ट पॉसिबल कम्बिनेशन लेते हैं 1 प्लस 0 तो भी रिजल्ट मिलता है 1। एंड फ्रेंड्स, जब हम लास्ट कम्बिनेशन लेते हैं 1 प्लस 1 तो फ्रेंड्स हमें रिजल्ट मिलता है 1 0। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर इस 1 प्लस 1 को जो कि बाइनरी में है, अगर हम डेसिमल में लिखें 1 प्लस 1 एंड फ्रेंड्स अगर हम इसको डेसिमल में लिखने के बाद हम सम अप करें तो इसका जो सम आएगा फ्रेंड्स वो आएगा 2। एंड फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि 2 को बाइनरी के अंदर हम लिखते हैं एज 1 0। तो फ्रेंड्स, यही रीज़न है कि हमने यहाँ पर 1 प्लस 1 को लिखा है 1 0। तो फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट बात आती है कि एडिशन की। तो फ्रेंड्स, जब हमें एडिशन करना है तो हमें एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो हमारा ये 1 है ये एज ए कैरी ओवर शिफ्ट होगा फ्रेंड्स हमारे लेफ्ट साइड में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अगर आप 4 प्लस 5 करते हैं तो आपका जो सम है वो 9 आता है। तो फ्रेंड्स, जब तक 9 आता है तब तक कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन जैसे ही आपका सम 10 आता है, जैसे कि 6 प्लस 4, तो फ्रेंड्स आपको एक एक्स्ट्रा डिजिट मिल जाता है 1। तो फ्रेंड्स, आप इस एक्स्ट्रा डिजिट को कैरी कर देते हैं नेक्स्ट डिजिट के लिए। अगर आपके यहाँ पर कोई और डिजिट होता तो उसके साथ ये कैरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सेम टू सेम आपका बाइनरी में भी होगा। तो फ्रेंड्स, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल का हेल्प लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर हम दो नंबर्स ले रहे हैं, 1000 यानी 8 एंड 1111 यानी 15। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास फोर पॉसिबल पेयर्स हैं, फोर पेयर्स हैं डिजिट्स के, 01 01 01 एंड 11। तो फ्रेंड्स, जब हम इसको सम करेंगे तो फ्रेंड्स 01 का सम आएगा 1, सेकंड पेयर का सम आएगा 1, थर्ड पेयर का 1 एंड फोर्थ पेयर का 10। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू टेबल इट वाज वेरी सिंपल कि आपने इस सम को परफॉर्म कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस सम को हम एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं हमारे शॉर्टकट मेथड से जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो फ्रेंड्स, शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते थे, शॉर्टकट मेथड में हम 1 से स्टार्ट करते थे और राइट साइड से हम 1 को डबल करते हुए चलते थे। एंड फ्रेंड्स, जिस भी वैल्यू के जिन जिन वैल्यूज़ को हमने सम करना होता था उनके आगे, जिस जिस वैल्यू को सम करने पे हमारा नंबर बनता था उसके आगे हम 1 लगा देते थे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास नंबर है 23। तो फ्रेंड्स, हम 23 किस किस सम से कर सकते हैं, 16 4 2 एंड 1। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन चारों वैल्यूज़ को सम अप करें तो हमारा सम आता है 23। तो अगर हम इनके सामने 1 लगाते हैं तो फ्रेंड्स जो हमारा सम है वो एग्जैक्टली 23 बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये वेरीफाई हो जाता है कि जो हमारा ये सम आ रहा है वो परफेक्टली ऑल राइट है। तो शॉर्टकट मेथड से हमने ये वेरीफाई कर लिया है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम कैरी का भी एग्जांपल लेंगे। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम दो नंबर्स ले रहे हैं फिर से, 1111 यानी कि 15 एंड 1110 यानी कि 14। तो फ्रेंड्स, इस बार हमारे पास जो हमारा पहला पेयर है उसको सम अप करना है तो वैल्यू आएगा 1, नेक्स्ट पेयर है 11। फ्रेंड्स, जब हम इसको सम अप करेंगे तो हमें मिलेगा 01 10 एक्चुअली।
तो फ्रेंड्स जो ये वन है ये हमारा एज ए कैरी ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट डिजिट को लेफ्ट साइड में, जैसा कि हमारा रूल के अकॉर्डिंग था कि जो कैरी है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो फ्रेंड्स ये वन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और फिर हम इन तीनों वंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो फर्स्ट पेयर है हमारा, उसका सम आया वन, सेकेंड आया वन, वन का सम जीरो, एंड फ्रेंड्स उसका जो कैरी आया वो आ गया वन। तो इन तीनों कैरीज को हम फिर ऐड करेंगे। ये जो हमारे तीनों वैल्यूज़ आई हैं, दो वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी थे ये वाले, एंड एक हो गया हमारे पास कैरी, और ये कैरी हमारा क्या है, यहाँ से आया इन दोनों के सम से। तो ये कैरी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो फ्रेंड्स अब इन तीनों को हम डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, तो फ्रेंड्स दो दो के ग्रुप बनाकर ऐड करेंगे। तो पहले हम इन दोनों का ग्रुप लेंगे, तो वन प्लस वन आपका क्या हो जाएगा, वन जीरो। एंड फ्रेंड्स अब वन जीरो के बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट वन, तो इस वन को भी हम ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स फिर आया नंबर हमारा वन एंड वन। तो फ्रेंड्स ये जो नेक्स्ट वन आ रहा है हमारा, ये कैरी के तौर पे फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो इस कैरी को हम फिर इन दो डिजिट्स के साथ ऐड करेंगे, एंड फ्रेंड्स अगेन फिर इन तीनों को एक साथ ऐड नहीं करेंगे, दो का डिजिट दो डिजिट्स का ग्रुप लेंगे, उनको फिर ऐड करेंगे वन प्लस वन वही सेम मेथड से, एंड फ्रेंड्स जो हमारा जो थर्ड डिजिट है फिर उसको ऐड करेंगे। तो हमें फाइनली फिर रिसीव होगा क्या, वन एंड वन। तो वो वन एंड वन हमको यहाँ शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो आया है 29। तो फ्रेंड्स इस रिज़ल्ट को एक बार से फिर से वेरीफाई कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड से, वही वन से शुरू करेंगे, डबल करेंगे, और फ्रेंड्स जिन वैल्यूज़ का सम 29 बनता है उन वैल्यूज़ के आगे वन लगा देंगे। तो फ्रेंड्स किन किन वैल्यूज़ का सम जो है 29 बन रहा है, तो फ्रेंड्स एक तो 16, एक 8, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, एंड 28 प्लस 1 29। तो फ्रेंड्स तो हमारा सम बिल्कुल राइट है शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग। तो ये शॉर्टकट मेथड हमारे सम को वेरीफाई कर रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे दो एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल था, एक एग्जांपल था विद कैरी। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट बात आती है आपकी बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। तो फ्रेंड्स बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स भी ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे कि आपके डेसिमल सब्ट्रैक्शन के रूल हैं। इसमें भी हम एक टेबल ले रहे हैं, यहाँ पर हम तीन वेरिएबल ले रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट कम्बिनेशन है, इसमें भी चार कम्बिनेशन बनेंगे। फर्स्ट कम्बिनेशन का जो सब्ट्रैक्शन आया 0-0, 0, 1-0, 1, 1-1, 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, 0-1, 1 कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स जब हम किसी स्मॉल नंबर में से बड़े नंबर को, बिग नंबर को माइनस करते हैं तो हमें बोरो करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड से बोरो करेंगे, तो बोरो करने के बाद ये नंबर बनेगा 10, एंड 10 मीन्स 2 एंड माइनस 1, तो विच विल बी इक्वल टू 1। सो दैट्स वाई, इसलिए क्या बन जाएगा ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन 1। तो फ्रेंड्स ये तो था उसका रूल, अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला एग्जांपल हम सिंपल लेंगे, इसमें हम एक बिग नंबर ले रहे हैं पहले 15, 1111, एंड नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं 1010, यानी कि 10। तो फ्रेंड्स जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 5 रिसीव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर फिर से 4 पेयर्स हैं, 1011, 1011। तो फर्स्ट पेयर को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1, सेकेंड पेयर माइनस किया 0, थर्ड पेयर माइनस किया 101, एंड फोर्थ पेयर में जब 1 में से 1 माइनस किया तो 0। तो फ्रेंड्स इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप, कुछ शॉर्टकट मेथड समझ आ चुका है तो आपको वेरीफाई कर सकते हैं इजीली कि हमारा जो ये सब्ट्रैक्शन आ रहा है ये बिल्कुल ऑल राइट है। तो फ्रेंड्स अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार हम बोरो का एग्जांपल लेंगे, सब्ट्रैक्शन विद बोरो। तो फ्रेंड्स इस बार हमारे पास जो नंबर हैं वो हैं 1100, यानी कि ये नंबर हुआ आपका 12, आप शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर हुआ 0011, यानी कि 3। एंड फ्रेंड्स जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें नंबर मिलना चाहिए 9। तो फ्रेंड्स इस बार हम 0 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो फ्रेंड्स 0 में से 1 को माइनस करने के लिए हमें बोरो चाहिए,
हमें एक डिजिट बोरो करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये जीरो इधर रिक्वेस्ट करता है अपने लेफ्ट साइड के जीरो को या डिजिट को कि मुझे एक डिजिट चाहिए। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डिजिट ऑलरेडी जीरो है, तो ये कोई भी डिजिट आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स फिर ये नेक्स्ट डिजिट आगे रिक्वेस्ट करता है, तो यहाँ पर एक वन है, तो ये वन अपना वन को इधर ट्रांसफ़र करता है फ्रेंड्स, तो इसका बैलेंस कितना हो जाएगा, जीरो। एंड फ्रेंड्स जैसे ही इसने अपना वन ट्रांसफ़र किया ये क्या हो जाएगा, वन जीरो। एंड फ्रेंड्स आप जानते ही हैं वन जीरो मीन्स टू, तो फ्रेंड्स एक्चुअली ये बन चुका है अब टू। तो फ्रेंड्स टू, और टू में से अगर हम फिर एक बोरो को एक डिजिट को इधर फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि वो फर्स्ट डिजिट हमारा बोरो हो जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा नंबर आएगा यानी कि टू, तो टू माइनस वन, तो ये आया वन। ओके एंड फ्रेंड्स यहाँ पर बैलेंस कितना बचा था, क्योंकि हमने टू में से एक डिजिट इधर दे दिया था, तो ये खुद बैलेंस इसका कितना बन गया था, कितना बचा था, वो था वन। तो फ्रेंड्स इस वन में से जब ये वन माइनस होगा तो फ्रेंड्स हमें मिलेगा जीरो। एंड फ्रेंड्स ये ऑलरेडी जीरो हो चुका था, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, इस जीरो में से जब ये जीरो माइनस होगा तो हमें क्या मिलेगा, जीरो। और फ्रेंड्स ये वन माइनस जीरो वन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सब्ट्रैक्ट करने का तरीका विद बोरो मेथड व्हेन वी नीड टू बोरो सम डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो फ्रेंड्स इस सब्ट्रैक्शन को आप फिर से वेरीफाई कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से, क्या हमारा सब्ट्रैक्शन ऑल राइट है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये परफेक्टली ऑल राइट है जब हम इसको शॉर्टकट मेथड से वेरीफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात आती है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की। तो फ्रेंड्स बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि आपका डेसिमल मल्टीप्लिकेशन होता है, इसके रूल्स भी वही हैं। फिर एक टेबल की हेल्प से देखते हैं हम, तो 0 इंटू 0 यहाँ पर हमारा होगा 0, 0 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0 एंड फ्रेंड्स 1 इंटू 1 1। तो फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन वाज क्वाइट ईजी, यहाँ पर कैरी या सब्ट्रैक्शन जैसा, कैरी या बोरो जैसा कोई फंडा नहीं था, तो इस करके जो हमारा मल्टीप्लिकेशन था वो काफ़ी ईजी था, काफ़ी सिंपल था एज़ कम्पेयर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, वन और वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, वन एंड जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया आपका जीरो, एंड वन और वन का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन। एंड फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इस डिजिट का, इस वन का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो फ्रेंड्स आया वन, इस वन को हमने इस जीरो से मल्टीप्लाई किया तो आया जीरो, एंड फ्रेंड्स इस वन को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो वन। तो फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा आप डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और बाद में हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सम अप, इन दोनों को सम किया तो वन, इन दोनों को किया तो वन, और इन दोनों को वन और जीरो को सम किया तो वन, एंड लास्ट में हमारा एक सिंगल वन है। तो फ्रेंड्स जो ये नंबर आया आप जानते ही हैं कि जब फोर टाइम्स वन हो तो बाइनरी में तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 15। तो फ्रेंड्स ये है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 5, एंड फ्रेंड्स इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 3। तो आप शॉर्टकट मेथड से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाइट इजीली और काफ़ी फास्टली। तो फ्रेंड्स 5 3 15, तो फ्रेंड्स ये मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ऑल राइट है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से कि हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑल राइट है या नहीं। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आप इसे खुद ही अंडरस्टैंड कीजिए देखकर, क्वाइट ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें भी वही है, फर्स्ट हमारा जो डिजिट है उसको हम बाकी सभी के ऊपर के डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस डिजिट को, फिर इस डिजिट को। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स हम बस यहाँ इतना देख लेते हैं कि इसका बाइनरी जो डिजिट है हमारे, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है डेसिमल के अंदर, ये है 15 एंड फ्रेंड्स ये है हमारा 5। तो फ्रेंड्स जब 15 इंटू 5 करते हैं हम, तो फ्रेंड्स हमें जो रिसीव होता है वो आता है 75। तो फ्रेंड्स क्या ये 75 है, तो फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं हम शॉर्टकट मेथड से। तो जिन जिन के आगे हम 1 लगा रहे हैं क्या उनका सम 75 आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए यहाँ पर 64 प्लस 8 आपका 72 प्लस 2 आपका 74 एंड 74 प्लस 1 आपका 75। तो फ्रेंड्स ये जो मल्टीप्लाई है ये एकदम एक्यूरेट है, एकदम वेरीफाइड हो गया है आपका कि ये मल्टीप्लिकेशन राइट है। तो फ्रेंड्स अब आती है बाइनरी डिवीज़न की बात।
तो फ्रेंड्स बाइनरी डिवीजन फिर वैसा ही है जैसा कि आपका डेसिमल डिवीजन है। तो बाइनरी डिवीजन का एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम 110 को हम डिवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स 10 से। तो फ्रेंड्स 110, आप देखिए फ्रेंड्स 110 क्या होता है फ्रेंड्स, 110 होता है आपका, अगर हम इसको डिवाइड इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 124 शॉर्टकट मेथड लें तो ये है आपका 6। तो फ्रेंड्स दोबारा से लिख लेते हैं, तो फ्रेंड्स ये है आपका 6 एंड फ्रेंड्स इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो फ्रेंड इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो फ्रेंड्स जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 3। तो फ्रेंड्स क्या ये आंसर 3 नहीं है, ये आंसर 3 है। तो यहाँ पर जैसे कि आप रियल डेसिमल नंबर्स के साथ करते हैं, 10 को हम जब फर्स्ट टाइम लेंगे तो आएगा 10 1 10। ओके, यहाँ पर इसको 10 नहीं बोलेंगे, 10 बोलेंगे, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी एक बार 10 बोल रहे हैं। तो 10 1 10, तो जो रिमाइंडर आया फ्रेंड्स वो आया 1 एंड फ्रेंड्स ये 0 को हम आगे से फॉरवर्ड जो आपका फॉरवर्ड 0 है उसको फिर नीचे ले लेंगे एंड फ्रेंड्स इसको फिर 10 1 10। तो जो इस बार रिमाइंडर आया 0, तो हमारा जो आंसर आया फ्रेंड्स वो आया 1 1 यानी कि 3। तो फ्रेंड्स ये भी ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली ऑल राइट है, इसको भी आप शॉर्टकट मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। इस बार हम डिवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स 135 को, ये जो काफ़ी बड़ा सारा नंबर दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, ये हमारा 135 है। अगर हम शॉर्टकट मेथड से करें तो 1 2 4 8 16 32 and 64 and 128। तो फ्रेंड ये जिन जिन के आगे 1 लिखा है मैंने सिर्फ वही नंबर लिखे हैं, तो 128 प्लस 4 132, 132 प्लस 2 134 एंड 134 प्लस 1 135। तो फ्रेंड्स ये 135 है जो आपको नीचे भी दिख रहा है यहाँ पर। तो 135 को हम डिवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स किससे, 134 को हम डिवाइड कर रहे हैं 9 से, ये हमारा 9 है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 135 अगर हम डिवाइड करें 9 से तो फ्रेंड्स हमें क्या रिसीव होगा। तो फ्रेंड्स जब हम 135 को डिवाइड करते हैं 9 से तो हमें रिसीव होगा 15। तो क्या इसका आंसर 15 है फ्रेंड्स, यस इसका आंसर 15 है। आप इसको फिर से करके भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, होप सो आपको समझ आ गया होगा कि बाइनरी अर्थमेटिक कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल टू गेट अलर्ट्स ऑफ द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।